खबर रीवा से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अंकुर अभियान शुरू किया है। इस अभियान से जुड़कर हजारों लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। अंकुर अभियान के तहत रीवा जिले में जुलाई तथा अगस्त माह में वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों को अंकुर अभियान के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय परिसर अथवा अन्य उपयुक्त भूमि का चयन करके उसमें पौधारोपण कराएं। आंगनवाड़ी केंद्र भवन, छात्रावास परिसर, ग्राम पंचायतों के परिसर में भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। अशासकीय संगठन भी अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण कर सकते हैं। पौधारोपण के लिए पौधों की व्यवस्था तथा उनकी देखभाल व्यक्ति अथवा संस्था को स्वयं करनी होगी। पौधारोपण करने के बाद मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से वायुदूत अंकुर ऐप डाउनलोड करके रोपित पौधे के साथ अपना फोटो अपलोड करें। कलेक्टर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण आवश्यक है। अंकुर अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में की गई सार्थक पहल है। हर व्यक्ति हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए, रोपित पौधे की सुरक्षा के भी उचित प्रबंध करे। बैठक में जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक तथा अंकुर अभियान नोडल अधिकारी प्रवीण पाठक ने बताया कि अंकुर अभियान के प्रथम चरण में रीवा जिले को प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस वर्ष बड़ी संख्या में पौधारोपण करके जिले को टॉप 5 में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। पौधारोपित करके वायुदूत ऐप में उसकी फोटो अपलोड करने पर प्रमाण पत्र भी प्राप्त होता है, साथ ही आपको प्राण वायु पुरस्कार प्राप्त करने की भी पात्रता हो जाती है। सभी अधिकारी और कर्मचारी स्वयं प्ले स्टोर से प्राण वायु ऐप डाउनलोड कर लें, साथ ही अधिक से अधिक लोगों को इसे डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। अंकुर अभियान के तहत जुलाई और अगस्त माह में पौधारोपण के लिए अभियान चलाया जाएगा। बैठक में नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।